सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सरोज परियार को सौंपा, जिसमें मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग पुनः प्रारंभ करने, प्लेट कांटों में अनियमितता, किसानों की उपज का भुगतान सहित अन्य मांगे की गई है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे ने बताया कि किसान मूंग की खरीदी न होने से बहुत परेशान है, स्लॉट बुकिंग बंद हो गई है, जिससे जिन किसानों की मूंग नहीं बिक पाई है ऐसे किसान परेशान हो रहे हैं। हमने प्रशासन को 3 दिनों का समय दिया है, यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी किसान बानापुरा ब्रिज से अर्धनग्न अवस्था में रैली निकाल तहसील कार्यालय पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शन किया जाएगा। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? आज प्रमुख मांग तो ये है कि मूंग उपार्जन में जो है किसानों का 30% किसान ऐसे हैं जो स्लॉट बुकिंग से वंचित रह गए, तो इस संबंध में प्रशासन को जानकारी दी है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया है कि शीघ्र अति शीघ्र पोर्टल खोला जाए और इन किसानों की उपज भी तुले। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने तो ये बताया कि हम मुख्यमंत्री जी को आपकी मांग भेज देंगे, लेकिन हमने 3 दिवस का समय दिया है इनको। गुरुवार के दिन जो है भारतीय किसान यूनियन आंदोलन प्रदर्शन करेगा, पद यात्रा होगी और पद यात्रा के बाद में अर्धनग्न अवस्था में इनको ज्ञापन देंगे हम और मांग करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो विरोध होगा इनसे सीधा।